नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, साइंस का परिसंचरण तंत्र, बात समझ में आ गई? टॉपिक कौन सा था अपना? परिसंचरण तंत्र। इसमें अपन ने काफी चर्चा कर ली थी, बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? रक्त नलिकाएं। क्या पढ़ी थी? रक्त वाहिनी। बात समझ में आ गई? रक्त वाहिनी किस कौन कौन सी होती है? एक तो क्या पढ़ी थी अपने? धमनी पढ़ी थी। दूसरी क्या? शिराएं। धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। और शिराओं को क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इनका कार्य क्या क्या होता है? जैसे धमनियों के बारे में अपन ने पढ़ा था, धमनियां क्या करती है? जो शुद्ध रक्त है, जो जिसमें क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिस रक्त में ऑक्सीजन होती है उसका क्या करती है? परिवहन करती है पूरे शरीर के अंदर। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिस रक्त के अंदर, जिसको अपन क्या अशुद्ध रक्त बोलते हैं, उसका परिवहन कौन करती है? शिराएं करती है। इस प्रकार से अपन ने चर्चा कर ली थी। चलो तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं आज हर्ट के बारे में। किसके बारे में? हर्ट के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ गई? ये जो अपना बैच है स्पेशल साइंस का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पशु परिचर है, रीट है, या अन्य जैसे कोई अग्निवीर वगैरह, पटवार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जनरल साइंस, उसमें क्या लगभग सभी में समान आती है, तो उसी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके। इसमें अपने एक क्या छोटी चीज लेके चलेंगे और क्या है, एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा आपको। बात समझ में आ गई? साथ साथ में जो एनसीईआरटी है उसको भी क्या इंक्लूड किया, उससे भी क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। बात समझ में आ गई? अब देखो इसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय क्या करता है? रक्त के द्वारा पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन करने के लिए क्या है? रक्त का पंप के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गई कि जो पदार्थ होते हैं उनका क्या है? रक्त के द्वारा परिवहन में क्या है? पंप का कार्य करता है हृदय। बात समझ में आ गई? अब जैसे आगे अपन बात करें कि रक्त का जैसे आकार किस प्रकार का होता है, हृदय के अंदर कितने नीले होते हैं, किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य करता है, वो अपन अभी चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले अपन बात करें परिसंचरण तंत्र, क्या मैंने बताया था इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, परिसंचरण परिसंचरण तंत्र। देखो ये क्या है? दो प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई? कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? बंद होता है, एक खुला होता है। परिसंचरण तंत्र मैंने क्या बताया था, पहले तो बात कर लेते हैं परिसंचरण क्या होता है। कि रक्त के द्वारा जो भी क्या है, जैसे गैस है, कुछ विटामिन है, कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनका क्या परिवहन करना क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। बात समझ में आ गई? परिवहन करने क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? खुला और बंद। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको पूछ लिया जाए मानव में किस प्रकार का परिसंचरण होता है, तो आप क्या बोलोगे? बंद प्रकार का। ये कितने प्रकार का होता है? पहला प्रकार क्या, तो क्या हो गया? खुला। और दूसरा क्या हो गया? बंद। दूसरा क्या हो गया? बंद। बात समझ में आ गई? अब देखो मानव के अंदर खुला होता है, बंद होता है, ये आपको पता लग जाएगा, मैं आपसे बात करूंगा। जैसे अपने शरीर के अंदर रक्त बहता है, किसके द्वारा बहता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा बहता है। अभी अपन ने बात की थी धमनी और शिराओं के माध्यम से क्या रक्त का आना जाना होता है। रक्त को लाना ले जाना किसके द्वारा होता है? धमनियां और शिराओं के बारे में। तो ये बताओ खुला हुआ, बंद हुआ, ये क्या हो गया? बंद हो गया। बंद हो गया, बात समझ में आ गई? बंद के अंदर क्या होती है? धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, इनके माध्यम से क्या है? खून का आना जाना होता है। बात समझ में आ गई? ये मैंने कल आपको पढ़ाया था कि धमनियां और शिराएं किस किस प्रकार से कार्य करती हैं। और खुला क्या होता है? इसमें धमनियां और शिराएं नहीं होती। खुले से आपको समझ में आ गया होगा कि खुला किस प्रकार से होता है। बात समझ में आ गई? बंद से समझ में आ गया? जैसे मानव के अंदर आपको पूछे, पहला क्वेश्चन यही आता है कि मानव के अंदर परिसंचरण किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का हो जाएगा? बंद प्रकार का हो जाएगा। बंद प्रकार का क्यों हो जाएगा? इसका रीजन क्या कि हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता है किसके द्वारा? धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जिनमें रक्त वाहिनियां पाई जाएंगी, जो रक्त है वो नलिकाओं के द्वारा क्या होता है, आने जाने कार्य करता है, उसको क्या बोलेंगे? बंद प्रकार का। और जिनमें रक्त की जो धमनियां शिराएं नहीं पाई जाती, वो क्या हो जाता है? खुले प्रकार का। बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आता है कि मानव में परिसंचरण किस प्रकार का होता है? परिसंचरण होता है किस प्रकार का? बंद प्रकार का।
बंद प्रकार का क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, बात समझ में आ गई। अगर खुला प्रकार की बात करें जिसे आ जाए कॉकरोच, बंद प्रकार का किस में होता है? कॉकरोच में होता है। कॉकरोच में किस प्रकार का होता है? खुला प्रकार का, सॉरी, कॉकरोच में कैसा होता है? कॉकरोच में होता है खुला, जैसे मक्खी है, इनमें क्या होता है? खुले प्रकार का होता है। कॉकरोच है, मक्खी है, इनमें क्या? खुले प्रकार का। मानव के जैसे आपको मानव या पशु पूछे तो उसमें किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। बंद प्रकार की विशेषता क्या होती है? बंद प्रकार में धमनियां और शिराएं होती है। बात समझ में आ गई? तो खून का क्या आना जाना धमनियों और शिराओं के माध्यम से होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करें, पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना, मानव में परिसंचरण किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं आकार का, हृदय का आकार कैसा होता है बताओ। देखें आप लोग, हृदय का आकार आप बनाते हो वो नहीं होता है, आप समझ रहे हो, आप तो किस प्रकार से समझ रहे हो जैसे आपने देखा हुआ इस प्रकार से, ये कोई आकार नहीं होता। बात समझ में आ गई? ये झूठी बातें हैं। किस प्रकार का होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। किस प्रकार का? बंद मुट्ठी के समान। बात समझ में आ गई? हृदय का आकार कैसा हो जाएगा? बंद मुट्ठी के आकार का, बंद मुट्ठी के आकार का। बात समझ में आ गई? हृदय किस प्रकार का होता है? तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बात समझ में आ गई? हृदय का आपको क्वेश्चन आ जाए कि हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है और उसी के क्या आकार का होता है? बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं कहाँ होता है हृदय, कहाँ होता है? ये वक्ष गुहा में होता है। किस में होता है? वक्ष गुहा में क्या होता है? स्थित होता है। वक्ष गुहा में क्या होता है? स्थित होता है। देखो एक बार दोबारा देखो, परिसंचरण तंत्र की बात करें दो प्रकार के होते हैं, खुला होता है और एक होता है बंद होता है। बंद किस में होता है? मानव में होता है, स्तनधारी में। बात समझ में आ गई? खुला जैसे कॉकरोच, मक्खी, इनमें क्या होता है? बंद होता है। तो बंद होता है, खुला होता है इसके अंदर, और बंद में क्या होता है? धमनियां और शिराएं होती है। रक्त का क्या आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है, और खुले में क्या होता है? धमनियां शिराएं नहीं पाई जाती। ये क्या ब्लड जो हेड है वो सीधा ही क्या है? ब्लड को सप्लाई कर देता। बात समझ में आ गई? आगे बात करें अपन कि मानव में किस प्रकार का पाया जाएगा, तो बंद परिसंचरण पाया जाएगा। आगे लिख लो, बंद परिसंचरण, परिसंचरण मानव में किस प्रकार का परिसंचरण होगा? बंद होगा। कॉकरोच में पूछे तो क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आकार की बात करें तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और हेड कहाँ पे स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में स्थित होता है। बात समझ में आ गई? कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में। एक बार इसका क्या नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो आगे बात करते हैं, अपन ने आकार पढ़ लिया। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के क्या होता है? समान होता है। बंद मुट्ठी के समान होता है, कहां पे स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित। कहां होता है ये? वक्ष गुहा में। कहां पे स्थित होगा? वक्ष गुहा में। बात समझ में आ गई? वक्ष गुहा में होता है। इसके आगे अपन बात करें, इसकी लोकेशन ये है सीने के कौन से भाग में पाया जाता है? सीने के ये मध्य भाग में पाया जाता है। बात समझ में आ गई? लगभग कौन से कहां पे पाया जाता है? ये मध्य भाग, सीने के मध्य भाग में पाया जाता है। मध्य भाग में। बात समझ में आ गई? मध्य भाग में पाया जाता है। मध्य भाग में पाया जाता है। और नीचे से क्या है? थोड़ा बाई और मुड़ा हुआ होता है। आपको पूछ लिए सीने के कौन से भाग में, दाएं भाग में, बाएं भाग में या मध्य भाग में, तो ये लगभग क्या है? मध्य भाग में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप पे गलत मत कर देना भाई। स्थित कहां होता है? वक्षीय गुहा में होता है। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है। बात समझ में आ गई? देखो इसके अंदर क्या होता है अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये क्या आपका हेड है,
तो इसमें क्या होते हैं, दो आलिंद होते हैं, दो क्या होते हैं, निलय होते हैं। बात समझ में आ गई। ये ऊपर वाले क्या हो गए, जैसे आलिंद किससे, ए से स्टार्ट होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, आलिंद आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और नीचे क्या आ गया, नीले आ गया। नीले देखो बाद में आता है, पहले कौन सा आता है, ए आता है। तो ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, एन आता है बाद में। तो क्या आ गया, नीले आ गया। बात समझ में आ गई। नीले कहाँ पे आता है, नीचे आता है। और आलिंद कहाँ पे आता है, ऊपर आता है। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं आलिंद। और नीचे क्या आएगा, नीचे एन। नीचे क्या आएगा, निलय आएगा। नीचे क्या आ गया, नीले आ गया। बात समझ में आ गई। ऊपर क्या आ गया, आलिंद आ गया। ऊपर क्या आलिंद है और नीचे क्या है, नीले है। ये आपके बात आ गई अच्छे से समझ में। अब देखो इसमें कितने होते हैं, आलिंद कितने होते हैं, आलिंद होते हैं दो। एक तो क्या होता है, राइट आलिंद होता है और दूसरा क्या होता है, लेफ्ट। एक तो क्या है, दायां नीले और दूसरा क्या है, बायां नीले। इसी प्रकार से नीले भी कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। एक तो हो गया राइट नीले और दूसरा क्या हो गया, लेफ्ट नीले। बात समझ में आ गई। अब देखो इनका कार्य किस प्रकार से होता है, सबसे पहले अपन वो बात करेंगे। क्या करेंगे, कार्य किस प्रकार से करते हैं, कार्य किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले खराब खून, जैसे अशुद्ध खून है वो कहाँ पे आता है, उसके बाद में कहाँ पे जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या करती है, शिराएं। जो ये क्या हो गया, आपकी शिराएं हो गई। ये क्या है, CO2 युक्त। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त रक्त शिराएं लेके आती है, ये तो आपको पता है। ये ला के किसको देती है, राइट नीले आलिंद को देती है। किसको, राइट आलिंद को देती है। बात समझ में आ गई। फिर ये क्या करता है, ये देता है किसको, इससे किस में आता है, राइट नीले में आता है। किस में, दाएं नीले में। अब ये क्या करता है, राइट इससे आता है लंग्स में, कहाँ पे, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के बाद रक्त कहाँ पे जाता है, बताओ देखे मेरे को। फिर जाता है इसके अंदर, जो अपना बाया क्या है, आलिंद है, इसके अंदर आता है। इसके अंदर आने के बाद में क्या होता है, इससे आता है किस में, लेफ्ट नीले के अंदर। नीले में आने के बाद में यहाँ से क्या होता है, रक्त की शरीर में सप्लाई होती है। कहाँ पे, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में क्या होती है, इसकी सप्लाई होती है। बात समझ में आ गई आपके। एक बार दोबारा देखो, ये क्या है, सबसे पहले आप बात करते हैं, जो CO2 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन लेके आती है, शिराएं लेके आती है। क्या करती है, शिराएं लेके आती है। बात समझ में आ गई। इस डायग्राम से आपकी क्या आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिराएं क्या लेके आई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, उस रक्त को लेके आते हैं किसके अंदर, दाएं आलिंद के अंदर लेके आते हैं। किसके अंदर, दाएं आलिंद के अंदर। फिर ये क्या करता है, इससे दाएं नीले में आता है और ये यहाँ से सप्लाई करता है कहाँ पे, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। आपको पता ही होगा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में। शुद्धिकरण होने के बाद में इससे देखो फेफड़ों से सीधा कहाँ पे जाता है, जो आपका क्या है, बायां, बायां आलिंद में जाता है। किसमें, बायां आलिंद में। इससे कहाँ पे आता है, बायां नीले में आता है। और इससे क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है पूरे शरीर में। बात समझ में आ गई। ये कौन सा आ गया, शुद्ध रक्त आ गया, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कैसा हो गया, इसमें क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि पूरे शरीर में शुद्ध की सप्लाई कौन से, किससे होती है, तो किससे हो जाएगी, बाएं नीले से हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब फेफड़ों का देखो, शुद्धिकरण के लिए किससे ब्लड जाता है, ये राइट क्या हो गया, नीले हो गया। बात समझ में आ गई। और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन लेके आता है, शिराएं लेके आते हैं। और ये कहाँ पे पहुंचाती है, ये किस में पहुंचाती है, बताओ देखिए, राइट है आलिंद में। बात समझ में आ गई। इससे क्या आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो ये लेके जाती है शुद्ध, शुद्ध क्या है, रक्त को लेके जाती है शरीर में। वहां से क्या होता है, जो खराब खून होता है उसको कौन लेके आती है, शिराएं लेके आती है। बात समझ में आ गई। शिराएं लाके क्या करती है, इसके अंदर लाती है आलिंद के अंदर, कौन सा, दाया। इससे क्या आता है, दाएं नीले में आता है और ये फेफड़ों में सप्लाई करते हैं। फेफड़ों में सप्लाई होने के बाद में फिर क्या आता है, लेफ्ट आलिंद में आता है। इसके बाद में देखो लेफ्ट किस में आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। पूरे शरीर में क्या हो जाएगी, इसकी सप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक बार करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बात करते हैं।
चलो तो ये चीजें आगे आपके चीज समझे दोबारा बात करें शुरू से। इसका देखो आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, स्थित कहता है वक्ष गुहा में होता है, सीने के मध्य भाग में क्या होता है स्थित होता है, बात समझ में आ गई। और ये किस प्रकार से कार्य करता है, बात समझ में आ गई। हृदय का कार्य पूछे तो ये क्या रक्त के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं, कौन से जो पदार्थ होते हैं उनको क्या पूरे शरीर में पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने बातें कर लिए। अगर आपको पूछे मानव के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण होता है तो किस प्रकार का हो जाएगा, बंद प्रकार का। कॉकरोच में पूछे तो किस प्रकार का हो जाता है, खुले प्रकार का, बात समझ में आ गई। तो चलो भाई इसको करो नोट डाउन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।